28 मई को देश की नए संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने होते नजर आ रही है। बयानबाजी भी तेज है। इसी कड़ी में झारखंड के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने रफ्तार मीडिया के संवाददाता सौरभ राय से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आगामी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन को लेकर सियासत पारा बढ़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ऑपोजिशन पार्टी सभी एकजुटता दिखाते हुए इस उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का फैसला किए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है जेएमएम से राज्यसभा सांसद मोहन माही जी। मैडम, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से सभी दल विपक्षी दल एकजुटता दिखाते हुए निर्णय लिया है कि 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह में हम नहीं जाएंगे, क्या कुछ? देखिए, आप सभी जानते हैं कि संसद और संविधान के जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति को की उपेक्षा करके, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की उपेक्षा करके नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना, वो हम सबको इससे हम सभी लोग नाराज़ हैं, दुखी हैं। और यहाँ तक कि संसद जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस इन दोनों से बनता है, लोकसभा और राज्यसभा से, उसमें राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, सभापति हैं, वो माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ जी, उनको भी इसमें शामिल ना किया जाना, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का संसद नहीं होता है, उसमें देश के जनता चुनकर सांसदों को भेजती है और तमाम MLAs मिलकर राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। तो ऐसे में देश के खिलाफ जाकर सिर्फ एक पार्टी विशेष को ध्यान में रखकर इस तरह का आयोजन होना, प्रधानमंत्री सबके हैं लेकिन माननीय राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है, इसलिए उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अभी भी समय है कि अभी भी अगर महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाए, उनसे उद्घाटन कराया जाए, तो निश्चित रूप से सभी पार्टियाँ उसमें शामिल होंगी। BJP एवं उनके सहयोगी दल के नेताओं के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि विपक्ष इसको राजनीतिक टॉपिक नहीं बना के इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी को हम ही लोगों ने इज्जत दिया है और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। कांग्रेस एवं विपक्षी दल के जब सरकार थे तब कहीं पे भी आदिवासी को जगह नहीं दिया गया था इतने उच्च पद पर, इस पर क्या राय? देखिए, जब आदिवासी और दलित राष्ट्रपति बनाने का निर्णय हुआ तो उसका स्वागत हम सभी ने किया और हम लोगों ने वोट भी किया। जब नामांकन किया गया था उनका, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी माननीय राष्ट्रपति के लिए वोट किया था, हम सभी ने किया था और हम सब इससे बहुत खुश भी थे। लेकिन सिर्फ किसी को एक पद पर बैठा देना काफ़ी नहीं होता, उसमें तो जो पूर्व राष्ट्रपति जो दलित समाज से आते थे उनको भी शिलान्यास के अवसर पर इनवाइट नहीं किया गया था, और अभी भी जो हमारी आदिवासी राष्ट्रपति हैं, महिला भी हैं, उनको भी इसमें उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं किया जाना क्या दर्शाता है कि आप दिखाने के लिए सिर्फ उनको बैठा दे रहे हैं, आप उनको महत्व नहीं देना चाहते, आप उनका अपमान करना चाहते हैं। तो इसी के लिए ये विरोध है और अभी भी समय है, अगर निर्णय को वापस लिया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया और उपराष्ट्रपति महोदय को भी आमंत्रित किया जाए, तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियों के लोग इसमें शामिल होंगे। सवाल, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि किस प्रकार से 3 दिवसीय दौरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी कल राष्ट्रपति के सामने सनातन धर्म कोड का मामला उठाया, तो JMM लगातार ही इसको मामला को उठा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है केंद्र सरकार में इस मामले को लेकर उदासीनता देखी जा रही है? देखिए, केंद्र के द्वारा ऐसा हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनको सरना धर्म कोड मिले। उनका मानना है कि वो धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है तो उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा और इसी वजह से वो इसको नहीं मानना चाहते हैं। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करना बहुत ही जायज़ है, क्योंकि वो भी एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं और वो एक नेक महिला हैं और उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो इसी उम्मीद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने ये मांग रखी है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को इस प्रोग्राम में शामिल कराया जाना चाहिए। रफ्तार मीडिया संवाददाता सौरभ राय, रांची।